और आप देख रहे हैं धौलपुर का नंबर वन चैनल चंबल प्रभा। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धौलपुर में महंगाई राहत कैंप में अब तक हुए 2,65,931 पंजीकरण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों को लेकर में आमजन में भारी उत्साह है। महंगाई राहत कैंपों के अंतर्गत अभी तक जिले में 2,65,931 लाभार्थियों ने पंजीयन करवाया। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिले में महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। 40 स्थायी राहत कैंपों के साथ साथ ग्राम पंचायतों में 6 एवं नगरीय वार्डों में 6 शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शांति विद्यापीठ एवं शारदेय कॉन्वेंट स्कूल, यहां आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं मजबूत इंस्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा करता है। जिले की 4 फैकल्टी सिर्फ शारदेय विद्यापीठ में उपलब्ध। इस वर्ष कक्षा 10th में अमन दुबे ने 97%, कक्षा 12वीं में तनु परिहार ने 94%, कंचन शर्मा ने 92%, सुहालिया खान ने 91% अंक प्राप्त कर जिले में टॉप किया। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। हमारा पता गोशाला कॉलोनी धौलपुर, जल्दी करें एडमिशन ओपन। प्रधानाचार्य वीडी चौधरी, व्यवस्थापक संग्राम पंडित, मोबाइल नंबर 94-14-37-55-37 और 63-77-22-82-90। शारदे मस्त, बाकी सब पस। जुए के अड्डे पर कार्यवाही करते हुए 9 जुआरियों को किया गिरफ्तार। राजाखेड़ा उपखंड की मनिया थाना पुलिस ने जुए के अड्डे पर कार्यवाही करते हुए 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जुआ खेलने के उपकरण और 17,750 रुपए की राशि बरामद की है। मामले को लेकर मनिया थाना अधिकारी लाखन सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को पुलिस टीम ने खेरली गाँव के पास से जुआ खेलते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में हुकुम सिंह पुत्र निहाल सिंह निवासी बाल गोविंद का पुरा थाना मनिया, कप्तान सिंह पुत्र छिद्दू निवासी सालिका का अड्डा मजरा खरेली थाना मनिया, सतीश चंद्र पुत्र प्रेम सिंह निवासी बाल गोविंद का पुरा थाना मनिया, प्रेम सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी खेरली थाना मनिया, पपेश पुत्र बाबूलाल निवासी लूला का पुरा थाना मनिया, भवानी पुत्र वीर सिंह निवासी बाल गोविंद का पुरा थाना मनिया, मंगल सिंह पुत्र भरत सिंह निवासी रजुआ का अड्डा मजरा खेरली थाना मनिया, सतीश पुत्र मोहन सिंह निवासी लूला का पुरा थाना मनिया और राजेश। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुली AC और डिजिटल बोर्ड से संचालित है। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण, यहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब क्लास PG से 10th तक। एडमिशन ओपन। CBSE न्यू दिल्ली से संचालित। विद्यालय का पता आशियाना कॉलोनी जेल रोड धौलपुर, मोबाइल नंबर 99-28-62-33-87 और 95-84-12-22। मुख्यमंत्री की सभा में होगी ऐतिहासिक भीड़। मलिंगा ने डोर टू डोर लोगों को बांटे पीले चावल।
रोहित बोहरा पर फिर बोला जुबानी हमला। कालीतीर परियोजना की लूट रहे झूठी वाह वाही। 15 जून को बाड़ी की कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा को लेकर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर संपर्क कर लोगों को पीले चावल बांटे हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम की ऐतिहासिक सभा होने का दावा किया है। वे गत 4 दिनों से सभा को लेकर टेंट और पंडाल के व्यापक स्तर पर इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत परुआ में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि 15 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बाड़ी की कृषि उपज मंडी में ऐतिहासिक सभा की जाएगी। मुख्यमंत्री की सभा को लेकर व्यापक स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील भी की है। मलिंगा द्वारा लोगों से डोर टू डोर मुलाकात कर सभा में पहुंचने के लिए पीले चावल बांटे जा रहे हैं। इस सभा में 60,000 से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया भीषण गर्मी का समय चल रहा है, लोगों को असुविधा नहीं हो इसके लिए बेहतर टेंट और पंडाल के साथ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। विगत 4 दिनों से सभा को लेकर तैयारियां की जा रही है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने की भी अपील की है। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा, ताराचंद शर्मा, सरपंच जवाहर सिंह कुशवाहा, रामजीलाल परमार, साहब सिंह परमार, हरिओम परमार, सुरेंद्र तोमर, महादेवा शर्मा, अभय प्रकाश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, प्रेमवती पारासर, हरिओम चौबे, विष्णु चौबे, रामदास जाटव, महेंद्र जाटव, जगन्नाथ सिंह लोधी, गोपाल सिंह लोधी, रमेश भगेला, मान सिंह भगेला, अल्लाह वक्स, सैलानी खां, हरेश शर्मा भंडारी, दीपू कुशवाहा, नरेश शर्मा, सोमवीर सिंह, राम अवतार परमार, जगदीश परमार, राकेश परमार, राम बाबू परमार, विस्सा कुशवाहा, सामलिया कुशवाहा, होरीलाल जाटव आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा पर फिर साधा निशाना। कालीतीर परियोजना को लेकर लोगों को कर रहे गुमराह। कालीतीर परियोजना की रार एवं विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा खुद के प्रयासों से परियोजना को लाने का दावा कर रहे थे। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन बता रहे थे। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा वर्ष 2011 से लगातार उठाई की मांग पर परियोजना को धरातल पर लाने का खुद को श्रेय दे रहे हैं। उन्होंने कहा राजाखेड़ा विधायक बोहरा जनता को गुमराह कर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। कालीतीर परियोजना का मुद्दा उन्होंने वर्ष 2011 से उठाया है। 2013 के बाद भाजपा सरकार में भी उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से विधानसभा में उठाया था। उनके द्वारा उठाई की मांग पर राज्य सरकार ने इसे स्वीकृति दी है। आपको बता दें कि कालीतीर परियोजना का मुद्दा जिले की राजनीति में सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस के विधायक रोहित बोहरा एवं गिरिराज सिंह मलिंगा दोनों आमने सामने परियोजना को लेकर बने हुए हैं। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी जैसे विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ एवं वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती है। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर सेतो रोड धौलपुर, प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, 9414583770, निर्देशक इंदर सिंह पवार, 8005888939। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सेपो धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, इतिहास, संस्कृत, मैथ एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए
अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सेपो रोड धौलपुर, प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा। मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय। मोबाइल नंबर 8440917707। जिले में डीएलएड गाइड ग्रुप वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय धौलपुर के तत्वाधान में डीएलएड गाइड ग्रुप वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 6 जून से 12 जून 2023 तक स्थान जिला मुख्यालय धौलपुर पर किया जा रहा है। सीओ गाइड सीमा रिजवी ने बताया कि शिविर के 5वें दिन महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित इंदिरा महिला शक्ति केंद्र की परामर्शदाता कविता शर्मा, शाहिदा फारूकी ने बालिकाओं के साथ परिचय कर विभिन्न योजनाओं, शिक्षा सेतु योजना, राष्ट्रीय योजना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पॉक्सो एक्ट 2012, उड़ान योजना, प्रशासन शहरों के संग अभियान, महंगाई राहत कैंप, मातृ वंदना योजना, एकल नारी सम्मान योजना, बाल विवाह रोकथाम, कैरियर काउंसलिंग, निःशुल्क RIC। धौलपुर में कर्मचारियों एवं कामगारों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर राजस्थान एक्सप्लोसिव केमिकल लिमिटेड धौलपुर में प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर लगाया गया, जिसमें राजकीय चिकित्सकों से डॉक्टर दीपक वंसल व उनकी टीम के सदस्य अनिल यादव, रोहित कंसाना, सोनम डांगोर परीक्षण हेतु आए। शिविर में 139 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिन कामगार एवं कर्मचारियों को डायबिटीज, बीपी, एलर्जी व दर्द आदि की शिकायत थी, उन्हें राजकीय चिकित्सालय टीम ने जांच करने के बाद दवाइयां दी और कामगारों से कुछ खाने में परहेज के लिए कहा गया। शिविर में फैक्ट्री के डायरेक्टर राकेश शर्मा, जनरल मैनेजर देवांगकर, फैक्ट्री मैनेजर रणवीर सिंह, सुरक्षा प्रभारी RT लोखड़े, सुरक्षा प्रभारी VN श्रीवास्तव, रमेश कुमार गुर्जर, प्रशांत सिंह, रवि शर्मा, पूर्व यूनियन अध्यक्ष बद्री प्रसाद शर्मा, भगवान कुमावत, देवानंद यादव, अमरीश सिंह, श्री भगवान मुदगल, यूनियन महामंत्री रामानुजन शर्मा, हेमंत मीणा सहित पदाधिकारियों ने शिविर में भाग लेकर परीक्षण करवाया। अंत में कारखाना प्रबंधक एवं फैक्ट्री के डायरेक्टर राकेश शर्मा ने सभी चिकित्सकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए धौलपुर जिले का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभा। धन्यवाद।